हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स वहीं बात करें तो टाटा आईपीएल 2023 का 44वां मुकाबला गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच, यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे यानी कि 7:30 PM पर 2 मई को ट्यूजडे यानी कि मंगलवार को भिड़ंत होगी। तो भाई फ्रेंड्स बात करें तो आईपीएल 2023 में अभी तक प्रदर्शन की बात करें तो गुजरात टाइटंस की टीम दिल्ली कैपिटल्स से काफी आगे है। हालांकि वहीं इस सीजन में गुजरात टाइटंस की टीम ने 8 मुकाबले भी खेल चुके हैं, तो 6 मुकाबले में जीत हासिल कर पाए थे तो 2 मुकाबले में हार का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन वहीं पॉइंट टेबल के पहले स्थान पर भी है। तो है फ्रेंड्स बात कर तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने हालांकि इस सीजन में कुल अब तक 8 मुकाबले भी खेल चुके हैं, तो वहीं 2 मुकाबले में जीत हासिल कर पाए थे तो 6 मुकाबले में हार का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन वहीं पॉइंट टेबल के 10वें स्थान पर भी मौजूद है यानी कि सबसे लास्ट में है। तो है फ्रेंड्स बात करने वाले हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट्स, बॉट टीम प्लेइंग 11, मैच प्रेडिक्शन यानी कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो है फ्रेंड्स पहले बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड, दोनों टीमों के बीच अब तक 2 ही बार आमना सामना हुआ है। तो वहीं गुजरात टाइटंस की टीम ने दोनों ही मुकाबले में जीत हासिल कर पाए हैं, हालांकि दोनों ही मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हार झेलनी पड़ी है। हालांकि पहली भिड़ंत 2022 में हुई थी, उस मैच में गुजरात टाइटंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हराया था। हालांकि दूसरा भिड़ंत 4 अप्रैल को हुआ था, गुजरात टाइटंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के होम ग्राउंड में 6 विकेट से हराया था। तो यह है फ्रेंड्स दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब वही फ्रेंड्स बात करते हैं पिच रिपोर्ट्स की। हालांकि अहमदाबाद की पिच की बात करो तो यहां बल्लेबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों को भी काफी मदद मिलती है। यहां की पिच पर टॉस जीत कर सभी टीम पहले गेंदबाजी का ऑप्शन ही चुनेंगी। हालांकि यहां पिच पर टॉस भी अहम भूमिका निभाती है। तो फ्रेंड्स बात करें तो पहले पारी का औसत स्कोर भी 178 रन है। हालांकि इस ग्राउंड पर अब तक आईपीएल 23 ही मुकाबले खेले जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स बात करें तो हालांकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 9 मुकाबले में जीत हासिल कर पाई है, जबकि टारगेट का पीछा करने वाली टीम ने 14 मुकाबले में बाजी मारी है। तो यह है फ्रेंड्स पिच रिपोर्ट। अब वही बात करते हैं बॉट टीम प्लेइंग 11। तो ये पहले फ्रेंड्स बात करते हैं गुजरात टाइटंस के प्लेइंग 11। हालांकि पहले नंबर पर हार्दिक पांड्या कप्तान ऑलराउंडर हैं, तो ये दूसरे नंबर पर बैटमैन शुभमन गिल हैं, तीसरे नंबर पर विकेट कीपर रिद्धिमान शाह ऑलराउंडर हैं, तो ये चौथे नंबर पर बैटमैन विजय शंकर हैं, पांचवें नंबर पर डेविड मिलर बैटमैन है, हालांकि छठवें नंबर पर अभिनव मनोहर है, तो सातवें नंबर पर राहुल तेवतिया है, आठवें नंबर पर राशिद खान ऑलराउंडर है, वही नौवें नंबर पर नूर अहमद है, फास्ट बॉलर 10वें नंबर पर मोहम्मद शमी है, 11वें नंबर पर जोस लिटल है। यह है फ्रेंड्स गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 जो कि अपने होम ग्राउंड पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे यानी कि 7:30 PM पर दिल्ली कैपिटल्स का सामना करने उतरेगी। अब वही फ्रेंड्स बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। तो पहले नंबर पर डेविड वार्नर बैटमैन कप्तान है, तो दूसरे नंबर पर फिल सॉल्ट विकेट कीपर यानी कि ऑलराउंडर है, तीसरे नंबर पर मिचेल मार्श है, वही चौथे नंबर पर प्रियम गर्ग है, हालांकि पांचवें नंबर पर ऑलराउंडर मनीष पांडे है, छठवें नंबर पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल है, सातवें नंबर पर रिपेल पटेल है, आठवें नंबर पर कुलदीप यादव चाइना मैन बॉलर है, वही नौवें नंबर पर फास्ट बॉलर एंड्रिक नारकिया है, 10वें नंबर पर मुकेश कुमार फास्ट बॉलर है, तो 11वें नंबर पर ईशान शर्मा फास्ट बॉलर है। यह है फ्रेंड्स दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो कि 2 मई को दोनों ही टीमों की कड़ाके की टक्कर भी होने वाला है। अब वही फ्रेंड्स बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन की यानी कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। हालांकि फ्रेंड्स दोनों टीमों के आंकड़े भी देखा जाए तो 2 ही बार आमना सामना हुआ है, तो दोनों ही मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने जीती है। हालांकि इसमें
गुजरात टाइटंस की टीम की पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। लेकिन फ्रेंड्स हमारी तरफ से इसमें ज्यादा चांस गुजरात टाइटंस की टीम को जीतने की है, क्योंकि इसके होम ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जाएगा और ये गुजरात टाइटंस की टीम इस समय भी काफी फॉर्म में चल रही है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।